देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं चारे देखता हूँ। 60 घंटे का लॉकडाउन मध्य प्रदेश में किया गया है, रीवा भी उससे अछूता नहीं है। लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर क्राइसिस कमेटी के 2 सदस्य, 2 विधायक, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, सिरमौर विधायक दिवराज सिंह। मैं दिवराज सिंह के बारे में आपको बता दूं, वो पहले भी 2 बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने रीवा के स्वयंवर विवाह घर में एक कार्यक्रम में भाग लिया, वहां पर लगभग 200 से 250 लोग वहां मौजूद थे। उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी अभी देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ जहां पर रीवा के SP कलेक्टर सड़कों में लगातार गश्त दे रहे थे, उसी दौरान इस तरीके का कार्यक्रम अपने आप में कई सवालों को जन्म देता। हालांकि जब इस बारे में यहां के प्रशासन से बातचीत की गई तो उन्होंने तत्काल ही कहा इस मामले की जांच होगी और दोषियों पर FIR दर्ज की गई। जिसने भी कार्यक्रम कराया था, जिस जगह कार्यक्रम हुआ था, दोनों पर FIR दर्ज होगी। आइए आपको दिखाता हूं क्या हुआ था लॉकडाउन के दौरान, जहां दोनों विधायक मौजूद थे, क्या कुछ चल रहा था। जब इस बारे में आम आदमी के एक प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी ने शिकायत की तो किस तरीके से बातचीत हुई थी, आइए आपको वो भी सुनवाने की कोशिश करूंगा। गहरे पानी बैठे होंगे सब शहंशाह, जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, हम समय सिंधु के अंदर में गहरे पानी बैठे होंगे। सदियां बीते सुल्तानों के जब नाम और निशान नहीं होंगे, मणिमाला सिंह जैसे लोग ये घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे, ये घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। मैं स्वागत भाषण माननीय पर विराजमान है, मैं बड़े आदर और सम्मान से प्रणाम कर रही हूँ और बिल्कुल ये चाहती हूँ कि सर्वे वर्मा पर आए और उनका कर्तव्य से स्वागत करेंगे सभी लोग। और निश्चित रूप से होगा कोनो अपना संकोच नहीं करेगा, चाहिए हमका होगा गौरवान्वित अपने आप का महसूस करे, चाहिए या अपने कोशिश करें। हम लोग निरंतर आपके प्रयासों का पूरी तरीके से सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय पर आपकी इस प्रेरणा को सभी लोग अपने घर में और अपने मन में बसाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आश्वासन मुझे कहीं और नहीं जा रहा है इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मणिमाला सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को मैं पूरा बधाई देता हूँ और आज जन्मदिन भी है आपका नातिन का, उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी का ग्रामीण जिला अध्यक्ष। आज जो है जानकर बड़ा आश्चर्य है कि एक तरफ जो है शिवराज सिंह चौहान जी पूरे मध्य प्रदेश में सब जगह जो है लॉकडाउन का पालन करने लोगों का आह्वान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है बिल्कुल शहर के मध्य में स्वयंवर हाल में जो है आपके जो विधायक, 2 विधायक जो हैं उनकी मौजूदगी में एक पार्टी में मौजूद रहते हैं, जिसमें जो है 300 लोगों का जन्मदिन का कार्यक्रम वहाँ लगभग मौजूद थे। जबकि रीवा के अंदर में लोग रोज 50 की अधिक संख्या में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन के अलर्ट होने के बाद ये अनुमति कैसे मिल गई, इस बात के लिए जो है मैं शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी जो यहाँ के रीवा कलेक्टर हैं इलाय राजा जी और आप SP साहब जो हैं उनको मैंने जो है ये संदेशा भेजा, लिख के भेजा, और थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल जी को मैंने 8 बजे कॉल कर देखा, जबकि मुझे मालूम चला एक लाइव के माध्यम से कि ऐसा हो रहा है। मैं जो है इस बात को जानना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी चौहान जी से और शासन प्रशासन जो है बैठे हुए लोगों से कि ये कैसी अनुमति और किस तरह से 2 विधायकों के मौजूदगी में, जो कि जो है दिव्यराज सिंह जो है रीवा विधायक और सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी जी के मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम रहा, जिसका फुटेज और जिसका वीडियो जो है मेरे पास जो है मैंने आगे बढ़ाया है। मैं इस बात का जो है घोर विरोध करता हूं कि इस प्रकार से जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर जब खुद ही उल्लंघन धज्जियां उड़ाएगा, 44 धारा का उल्लंघन करेगा, तो फिर जो है आम जनता के लिए क्या सीख होगी। इस बात के लिए वीडियो जारी कर रहा हूं ताकि आप सभी जो है इस बात को जाने कि करनी और कथनी में कितना अंतर है, वरना तो 144 धारा तोड़ने के वे विधायक जो दोनों विधायकों पर प्रशासन जो कार्रवाई करे या फिर हम सबको बताए कि किसके अनुमति से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।